देखने को मिलेगा बहुत ही कम कि बुद्ध बैठा है थर्ड में और ग्यारह में सूर्य बैठा बहुत ही कम मिलेगा बट हाँ सूर्य और बुद्ध एक साथ तीसरे घर में मिल जाए तो वो अच्छा माना जाएगा और बुद्ध अच्छा बुद्ध की एक्टिवेशन एज जो थर्टी फोर होती है यानी कि कहने का इसका मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है कि अगर बुद्ध खराब है तो एक आदमी का जीवन थर्टी फोर ईयर्स तक स्ट्रगल स्ट्रगल से भरा होगा बहुत स्ट्रगल होगा अगर बुद्ध खराब है तो बहुत ज्यादा संघर्ष होगा उसके उसकी लाइफ में और बुद्ध को अगर समझ रहा एक्टिवेशन तो कुछ ना कुछ थर्टी फोर्थ ईयर में बुद्ध को लेके कोई कुछ ना कुछ इवेंट हो सकता है जातक की लाइफ में अब इसकी रेमेडी क्या है बता मतलब जो बहुत ही है लाल किताब में जनरली किसी भी घर में किसी भी घर में अगर बुद्ध हो जिन घरों को हम डिस्कस करेंगे तो यह बताया जाता है कि नाथ छेदन बताया गया कि भाई आप नाथ छेदन करा लें और उसको छियानवे दिन तक आप करके रखें मतलब ये मेल तक के लिए बताया गया कि करा अगर कोई कराना चाहे और कोई इनहिबिशन ना हो किसी तरीके का कोई डर ना हो किसी तरीके की कोई शर्म ना हो तो आदमी भी इसको करा सकता है जबकि मैं ये वैसे उपाय देता नहीं हूँ किसी को ये वाला मगर ये लाल किताब का उपाय है लेडीज तो करा ही सकती हैं कराती भी है मगर इसमें नाक छेदन बीच में से करना होता है साइड वाइज नहीं करना होता बीच में से करना होता है इसको तो यहाँ पे नाक छेदन बताया गया इसमें बताया गया कि साउथ फेसिंग मकान में रहने से मना करा गया क्योंकि साउथ फेसिंग मकान भी मंगल